विधानसभा सिकंदरा से निर्दलीय प्रत्याशी शुभम पाल ने किया नामांकन। जनपद कानपुर देहात के 207 विधानसभा सिकंदरा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शुभम पाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। शुभम पाल ने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता नव युवकों को रोजगार दिलाना, बेरोजगारी दूर करना तथा किसानों के लिए जो आवारा पशु सर्द दर्द बने हुए उनसे मुक्ति दिलाना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। यदि जनता ने मुझे एक बार सेवा करने का मौका दिया तो मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ वीरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। भैया आपका इसमें चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है हर गाँव में बच्चों को शिक्षा, युवाओं के लिए शिक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा है साथियों के और गांव में जो गलियां जो रोड आप देख रहे हैं आज भी कोने कोने गांव में अभी तक विकास नहीं हो पाया और आज भी गांव सब अंधेरों से डूबे हुए हैं, उसको रोशनी देने का काम करना। आप अभी तक भाजपा में थे, आज आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ऐसा क्यों, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया लोगों के बीच में, जब मेरा टिकट नहीं हुआ बात जनता पार्टी से तो काफी लोग निराश हो गए थे, उदास हो गए थे, काफी लोगों ने फोन आए, काफी समर्थक घर आ गए थे कि भैया आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए चुनाव जनता का होता है, जनता वोट डालती है और उनका प्यार सदैव मेरे साथ है और रहेगा और मैं उनके बीच में हमेशा एक नेता के तौर पर, एक बेटा के तौर पर, एक अपने परिवार के तौर पर जाता हूँ, तो उनके हौसले से आज मैं नामांकित किया। गाँव की जो किसानों की समस्या बहुत भारी है जानवरों को लेकर के, उस पर आप क्या तैयार करेंगे? देखिए मैं जब भी गांव गया हूँ लोगों के बीच में पहुंचा तो सभी लोगों ने कहा है मुझे कि हमारे खेत और गाय, हम लोग रात को वहीं पे खेत में सोना पड़ता है, तो सबसे पहले मैं उन लोगों के बीच में जाकर जो गौशाला हो सकता है, जितने गौशाला हो सकते हैं हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे।